तो बता पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं गा रहा हूँ, मतलब कब से मैंने गाना शुरू किया मैं मुझे बिल्कुल याद नहीं है। हाँ ये बात है कि इस लाइन में आया तब जब मैं रांची चला गया, इंटर इंटर की पढ़ाई पूरी करने मैं रांची चला गया, तो रांची में वहाँ ऑर्केस्ट्रा वगैरह देख के, ऑर्केस्ट्रा का माहौल देख के मुझे गाने का मन किया कि मैं रिकॉर्डिंग करवाऊँ। तो रांची में ही एक स्टूडियो था, एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बड़ा नाम था पहले, ब्लू पापा एंड पार्टी, उनके यहाँ मैंने गाया और उन्हीं की स्टूडियो में मैंने रिकॉर्ड किया। ये 83 की बात है, तो यूँ समझ लीजिए कि 83 से मैं रिकॉर्डिंग की दुनिया में आ गया और तब से चल रहा है। देखिए मुझे एक्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बड़ा आसान लगता है मुझे। और सिंगिंग में क्या है कि आपको रिदम पे गाना है, आपको सुर में गाना है, तो थोड़ा सा वो मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि आप सुर में भी रहें और रिदम में भी रहें। तो एक्टिंग से थोड़ा सा मुश्किल है सिंगिंग। उसके बाद आवाज़ को भी बहुत मेंटेन करके रखना है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, रियाज होते रहना चाहिए। थोड़ा उससे आसान लगता है एक्टिंग मुझे, ऐसे एक्टिंग भी मैं बहुत आसान नहीं समझता हूँ, लेकिन मुझे एक्टिंग थोड़ा सा आसान जी। अभी भी मेरी फिल्म आई लाडली, और इसके बाद एक्चुअली मैं जब से फिल्म में आया हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्री भोजपुरी है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में क्रिएशन नहीं है। लोग बस आते हैं किसी फिल्म का सीडी लेके, इसका रीमेक करना, या बोलेंगे उसका रीमेक करना, उसका रीमेक करना। मुझे ये सुन के ही बहुत बुरा लगता है कि मैं कोई रीमेक करूं, तो मेरी इच्छा रहती है कि कुछ अपना क्रिएशन हो। और इसके लिए मैंने दो तीन वर्षों से लगभग मैंने काम कम किया हुआ या बंद किया हुआ है कि मैं कुछ अच्छी फिल्म करूं, ऐसी फिल्म करूं जिसको कि पूरी फैमिली आए देखने। जैसे भोजपुरी फिल्मों पर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि हम लोग बहुत लो ग्रेड की फिल्म बनाते हैं, रिक्शा वालों के लिए फिल्म बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर तो ये सोचते हैं कि भाई हमें पैसा आना चाहिए, और हमारे जो दर्शक हैं वो निम्न स्तर के लोग हैं, वही लोग आते हैं हॉल पे। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि अच्छे घर के भी लोग आएँ, मैं ऐसी फिल्म बनाऊँ जिसको परिवार के साथ लोग देखने आएँ, और हर फिल्म में एक मैसेज दूँ। यानी कि आजकल के आमिर खान स्टाइल में, कि फिल्म पूरा मनोरंजन हो, लोगों को बहुत मज़ा आए, गाने में खूब इंजॉय करें लोग, हंसें, और लास्ट में उनको जब वो हॉल से बाहर जाएं तो उनके दिमाग पे एक छाप छूटे कि मैंने क्या मैसेज दिया। तो मैं अब हर फिल्म एक मैसेज के लिए एक मैसेज वाली फिल्म करना चाहता हूँ। इसके लिए मेरी बहुत जल्द एक फिल्म मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपने होम प्रोडक्शन में, जिसका नाम होगा प्यार के बुखार। अब प्यार के बुखार लगता तो बिल्कुल है कि इसमें कोई मैसेज नहीं होगा, लेकिन चूंकि जो हमारे पारंपरिक जो दर्शक हैं जिनको इस तरह की फिल्में पसंद आती है, मैंने नाम उनके टाइप का रखा, लेकिन फिल्म में बड़ा मैसेज होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म आएगी तो भोजपुरी को तो छोड़ दीजिए, हिंदी वाले भी इस मैसेज पर अभी तक नहीं काम किया है। मैं ऐसी फिल्म अभी लाने जा रहा हूँ। अभी गाने पे काम चल रहा है, गाने की रिकॉर्डिंग वगैरह चल रही है, और मुझे लगता है कि अभी तो एक आध महीने बाद मौसम ऐसा हो जाएगा कि जहाँ हम शूटिंग नहीं कर पाएंगे, जाड़े के मौसम में शूटिंग संभव नहीं, तो मुझे लगता है कि न्यू ईयर में मैं शूटिंग शुरू करूँगा, और बिल्कुल अच्छे समय पे, यानी कि होली के बाद फिल्म हमारी आ जाएगी। समाज सेवा में मैं देखिए, मेरा सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, कि जो ही मैंने पहली फिल्म साइन की, चार फिल्में मैंने साइन की थी, चलत मुसाफिर, मोहली ओरे, हो गेलबा प्यार, ओढ़निया वाली से, बेटी भइल परदेसी, और जुल्मी संग अखिया लड़ी। ये चार फिल्म मैंने एक साथ साइन की थी, और मेरी सेकंड फिल्म की शूटिंग यानी हो गेलबा प्यार, ओढ़निया वाली से पीछे सिल्वर जुबली हुई पिक्चर वो, लेकिन उसकी शूटिंग चल ही रही थी और मेरे गाँव का घर का घेराव करके लोगों ने मेरी वाइफ को जिला पार्षद बना दिया। विकास के मुद्दे पर बनाए, क्योंकि हमारा जो गाँव है वहाँ आज भी सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तो विकास के मुद्दे पे लोगों ने मेरी पत्नी को जिला पार्षद बनाया। तो मेरा फ़र्ज बनता था कि मैं उन क्षेत्रों के विकास के लिए लड़ाई करूं, और मैडम के जिला पार्षद बनते ही हमारी फिल्म ओ हो गेलबा प्यार, ओढ़निया वाली की शूटिंग चल ही रही थी, और मैं अपनी धर्मपत्नी को लेकर निकल पड़ा पद यात्रा में। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मैंने डिमांड किया कि खगड़िया जो है
हमारे ज़िला वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, उसको लोग फरकिया कहते हैं। फरकिया मतलब टोडरमल ने उसको फ़र्क कर दिया था, यानी कि वहाँ पर लगान वगैरह लेने के लिए नहीं पहुँच पाते थे, तो उसको बोले ये फ़र्क किया, तो फ़र्क किया उसका नाम ही पड़ गया फरकिया। तो टोडरमल ने जो फ़र्क कर दिया वो आज तक किसी शासक ने उसको साथ नहीं किया। मैंने इसी को मुद्दा बनाया कि नीतीश कुमार जी आप जहाँ भी जाते हैं कहीं 5,000 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं 1,000 करोड़ देते हैं पैकेज, और खगड़िया को उन्होंने सिर्फ 23 करोड़ का एक पुल दिया था। तो मैंने इसको मुद्दा बना के कि खगड़िया को भी पैकेज दीजिए, हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित हो। मैंने विकास के मुद्दों को हमने उठाया और पदयात्रा सह भिक्षाटन करते हुए, भीख मांगते हुए मैं नीतीश कुमार जी के पास पहुँचा। भिक्षाटन में मुझे 58,000 रुपये आए थे वहाँ से लेके पटना तक, और मैंने 58,000 रुपये लेके, देखिए मैंने विकास के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ, ये 58,000 रुपया इसमें क्या होगा। तो उन्होंने खगड़िया को 750 करोड़ का पैकेज उस टाइम घोषणा की थी, लेकिन बाद में क्षेत्र में जाकर उन्होंने 307 करोड़ दिया। तो ये बात है 2007 की ना, 2007 की 26 जनवरी 2007 से मैंने पदयात्रा की शुरुआत की थी। तो बस उसी टाइम मैंने 2006 में हमने फिल्म साइन की, और मेरी फिल्म मैं पदयात्रा कर रहा था और मेरी फिल्म सिल्वर जुबली हो रही थी। तो कुछ पत्रकारों ने पूछा भी हमसे कि लोगों का जब डाउनफॉल शुरू होता है तब लोग राजनीति में आते हैं, आपकी फिल्म सिल्वर जुबली हो रही है, पहली फिल्म आपकी सिल्वर जुबली हो रही है और आप पदयात्रा कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मतलब सब कुछ ख़त्म होने के बाद राजनीति में आया है, मैं फिल्म लाइन में भी उठ रहा हूँ और राजनीति में भी। तो उस टाइम से समाज सेवा का ना एक चस्का लग गया, अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म बनाने वाले बहुत हैं, एक्टर बहुत हैं, लेकिन उनका दुख दर्द बांटने वाले लोग नहीं हैं। पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिक्स करते हैं, वो तो बस कुछ ऐसा करेंगे कि जात पात में बांट के वोट लेने की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हम जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। आपने सुना होगा कि 19 अगस्त को खगड़िया के धमारा घाट में एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई और उसमें 37 लोग कट गए ट्रेन में, लेकिन पुष्टि हुई 28 लोगों की। तो मुझे उसी दिन 19 तारीख को ही मैं रात को 11 बजे वहाँ पहुँच गया और 20 तारीख से मैंने धरना दिया, एक दिन मैंने धरना दिया, डेढ़ दिन का धरना दिया। 19 तारीख को दोपहर के बाद 21 तारीख को दोपहर के बाद मैंने अनशन करना शुरू कर दिया। तो 21 से लेकर 28 तारीख तक हमारा अनशन चला। उसमें हमने सरकार से डिमांड किया था कि वो जो स्टेशन है धमारा घाट, वहाँ पर आज भी सड़क नहीं है, वो सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, ट्रेन चलती है और वो भी अंग्रेज़ों ने ट्रेन चलाई थी। उसके बाद अब समझ लीजिए हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद अभी तक वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ये जो अपने सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने भी सड़क वड़क नहीं दी। तो मुझे अच्छा, दूसरी बात, एक बार 81 में वहाँ पे बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई थी, पूरी ट्रेन ही पुल के नीचे गिर गई थी। तो उस टाइम इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उन्होंने जाके वहाँ पर अनाउंसमेंट किया था कि जल्द से जल्द यहाँ पे वो सड़क मार्ग से इस जगह को जोड़ा जाए। और समझ लीजिए कि इंदिरा जी के टाइम जो घोषणा हुई और आज तक सड़क मार्ग से जुड़ा नहीं। तो मैं जाके अनशन पे बैठा और मैंने कहा कि अब घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, जब तक इसकी शुरुआत नहीं होगी मैं यहाँ से हटूँगा नहीं। लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप अभी बंद कर दीजिए, उठ जाइए, हम लोग शुरू करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, और भी कि आश्रितों को 10-10 लाख रुपया मिले, उसका एक सरकारी नौकरी मिले, तो सब और वहाँ पे आज भी धमारा घाट जो स्टेशन है वहाँ पे वो पार करने के लिए जो फुटओवर ब्रिज होता है वो नहीं है, और सिर्फ ट्रेन मतलब 3 ट्रैक हैं, दोनों तरफ प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ का। तो हमने इसको मुद्दा बना के जब 8 दिनों का अनशन समाप्त किया तो बाकी तो रेल पे, स्टेशन पे और सब काम शुरू हो गया है, लेकिन वो जो सड़क मार्ग से जोड़ने की बात है तो उसके लिए उन्होंने 6 महीने का समय लिया, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो हम लोग 6 महीने के अंदर शुरू कर देंगे काम। बाकी काम चल रहा है, जबकि वहाँ पर माँ कात्यायनी का एक स्थान है जो सिद्धपीठ है, बहुत भीड़ होती है, वो जो कटे थे वो तीर्थयात्री थे और उस दिन मंडे को बहुत भीड़ होती है वहाँ, सावन का पिछला लास्ट सोमवार था। तो उसको मुद्दा बना के हमने ये किया, मुझे बड़ी शांति मिलती है जब वहाँ से लोग, अभी अखबार में भी आया, लोगों ने वहाँ के लोगों ने धन्यवाद दिया और अपार जन सैलाब उमड़ा मेरे फेवर में।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने क्या किया, तुरंत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया, खगड़िया से लेकर कटिहार तक। और कटिहार में जाके मुझे पता चला कि ये बाढ़ जब भी आती है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ का वो सामग्री बंटवा देते हैं, लेकिन ये अस्थाई समाधान तो नहीं है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि बाढ़ का अस्थाई समाधान होना चाहिए। तो इसको मुद्दा बना के मैं बहुत ही जल्द हाई डैम निर्माण के लिए, बाढ़ के अस्थाई समाधान के लिए, हाई डैम निर्माण के लिए मैं जल्द ही 3 दिनों का धरना दूंगा, वही जोगबनी के आसपास, यानी सुपौल, जो हिंदुस्तान और बिहार, हिंदुस्तान और नेपाल का जो बॉर्डर है, जहाँ पे हाई डैम निर्माण होना है, वहाँ पर मैं 2-3 दिनों का धरना दूंगा। और बहुत ही जल्द मैं सरकार से डिमांड करने वाला हूँ कि हाई डैम का निर्माण किया जाए। तो मुझे अच्छा लगता है, अभी अक्टूबर में ही, 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अन्ना जी का कार्यक्रम है बिहार में, उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि आप साथ में रहिए, तो मैं उनके साथ भी रहूँगा। तो समाज सेवा में रहना भी बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ, गाना गाने के साथ, फिल्म करने के साथ। देखिए ऐसा है कि ये जो है, मैंने कहा कि आपको 83 से मैं गाना गा रहा हूँ, और टी सीरीज में मुझे 28 साल हो गए, हिंदुस्तान की नंबर एक कंपनी है, लोग आते हैं 2-4-5 साल रहते हैं चले जाते हैं, मैं 28 सालों से सुपर कैसेट्स में हूँ। तो मुझे ना एक आइडिया है कि पब्लिक क्या पसंद करती है, फास्ट रिदम होना चाहिए जिसमें पब्लिक नाचे, और गाने का बोल ऐसा होना चाहिए जो एक बार लोग सुने और उसको याद हो जाए। मेरे गाने को सुन के ना बहुत ज़्यादा दिमाग उसको खर्चा नहीं करना पड़ता है याद करने के लिए, एक बार मेरा बोल सुनेगा और पब्लिक को तुरंत गाना का बोल याद हो जाएगा और पब्लिक गाने लगती है मेरे गाने को। तो मैं इसी फंडा के साथ, इसी मतलब अपने इसी सिद्धांत के तहत मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, और आज 28 सालों से काम कर रहा हूँ। आज मेरे साथ मेरा बेटा भी टी सीरीज में गा रहा है, ये बहुत खुशकिस्मती है, आप लोगों का आशीर्वाद है, हमारे चाहने वालों का प्यार है कि आज मैं अपने बेटे के साथ टी सीरीज में गा रहा हूँ।